खरगोन जिले के टांडा बरूड स्थानीय पुलिस प्रशासन के एसडीओपी पीएस बघेल, तहसीलदार खरगोन रतोरिया, नायब तहसीलदार डिंडोरकर के सानिध्य में स्थानीय ग्राम के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बगैर मास्क वालों को मास्क वितरित किए गए। वहीं कोरोना नियमों के पालन को लेकर ग्रामीणों को समझाइश भी दी गई। उक्त जागरूकता रैली में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भाग लिया। टांडा बरोड़ से रामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। रैली निकालने का मुख्य मकसद अभी वर्तमान में एक ही है, कोरोना से बचाव और देश को बचाना है। मिस्टर कोरोना का हराना है और देश को बचाना है, इस तारतम्य में रैली निकाली है और लोगों को जागरूकता के लिए इस रैली से जागरूकता आएगी, इसलिए निकाली गई है। सामूहिक रूप से पुलिस प्रशासन एवं अन्य जो विभाग है उनके समन्वय से रैली को निकाला गया है और उसमें लोगों को मास्क पहनना, हाथ धोना और जो भी कोरोना के बचाव है उनके लिए उनको जागृत किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आपका महिला बाल विकास, इनके तारतम्य में निकाली गई है इनका कोऑर्डिनेशन करके, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए मास्क इन्हें फ्री में वितरित किए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है उनका पालन करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।